खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। एक हफ्ते पहले बारिश ने खूब तांडव मचाया था मुंबई में, लेकिन एक हफ्ता बीत गया और फिर से जब बारिश आई तो एक बार फिर वही कहर बरपाती आई, जिस तरीके का पिछले हफ्ते बारिश की वजह से कहर बरपा था मुंबई पर। हालांकि सोमवार की तरह इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है इस बार, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है वो मुश्किलें दिखा रही है, परेशानियां दिखा रही है। मुंबई दरिया बना हुआ है, गटर भर चुके हैं, गटर का पानी सड़कों पर ओवरफ्लो कर रहा है और ये तस्वीरें अंधेरी सबवे की, अंधेरी मेट्रो की, कुर्ला इलाके की, किंग सर्कल इलाके की एक ही तस्वीर बयां कर रही हैं, मुंबई में बदइंतजामी की। इस समय मैं मुंबई के साइन रोड इलाके में मौजूद हूं और आपको अगर यहां की परिस्थिति दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं यहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। यहां पर बताना चाहेंगे कि दोनों तरफ स्कूल है जहां पर छुट्टी हो चुकी है और बच्चे स्कूल से अपने घरों के लिए निकले हुए हैं और उन्हें जो है यहाँ पर काफी दिक्कत का सामना करते हुए अपने घर के लिए जाना पड़ रहा है। ये चारों इलाका आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को जो घर पर ले जा रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो पानी यहाँ भरा हुआ है वो मटमैला पानी है, गंदा पानी है, लेकिन स्कूली बच्चों को इसका आनंद लेने में कहीं भी वो एक भी क्षण नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ स्कूली बच्चे हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदांत अनिल सोनावने है। वेदांत, मुझे बताइए, अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, इतनी गंदे इतनी लगातार बारिश में गंदा पानी है, फिर भी आप लोग उसमें मजे ले रहे हैं? अरे नहीं आंटी, हम लोग को स्कूल से छोड़ दिया है, अभी हम लोग के लिए कुछ बस नहीं आ रही, इसके लिए हम लोग सब बस का इंतजार कर रहे हैं। तो ये है कुछ स्कूली बच्चे जिनको ये समझ नहीं है कि पानी गंदा है, लेकिन वो है यहाँ पर जो बारिश का आनंद उठाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हर साल इसी तरीके से जो बारिश मुंबई में होती है उसके चलते जगह जगह पर पॉट होल्स होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की इनको सूचना देने के लिए कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा है। आपको सामने का नजारा दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पर आप लगातार जो ट्रैफिक है वो देख सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी कुछ शिकायतें हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए आए थे, कैसे स्थिति है? रोज आता रोज पानी भरता है, इसको समस्या निकलना मांगता है, रोज रोज ऐसा, ये कब तक चलेगा ऐसा, ये कुछ हल निकलना मांगता है, रोज इतना तकलीफ रोज आना पड़ता है। अभी कंपल्सरी हम लोग 7-8 दिन से बच्चों छोड़ने का पूरा पानी पानी है, उसका कुछ इलाज होना मांगता है, इसके लिए और कुछ नहीं। हम जो यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कहीं पर भी मैन होल को लेकर कोई सूचना नहीं लगाई गई है, हालांकि ये पूरा स्कूली इलाका है, बच्चे हम देख सकते हैं यहाँ पर। मैडम मैं क्या बोलता हूँ, इसको कुछ समझ से हाल निकालना मांगता है, क्या रोज ऐसा तकलीफ, कितना कब तक मुंबई तक झेल लेगा? हर साल यही मुसीबत, महानगर पालिका कुछ तो इसके ऊपर कुछ एग्री, मतलब कुछ तो इच्छा करना मांगता है, कुछ ऐसा मुंबई डूबने लगता है, बार कितना हाल रिकॉर्ड इलाका है। यहाँ पर कुछ घंटे की बारिश में ही हम देखते हैं कि जल जमाव होता है। मैडम ये हर साल का, ये एक साल का नहीं, हर साल का यही, मतलब पानी भरना भरना, कितना कितना आदमी ये करेगा, अभी हम लोग बच्चे छोड़ने का पूरे को पानी इतना भरेगा, हम लोग क्या हाल निकालेगा इसमें, बताओ। तो ये है कुछ माँ बाप जिनका एक बड़ा कंसर्न है कि बच्चे हैं यहाँ पर, हर साल पानी भरता है लेकिन कोई भी राहत इनको नहीं मिलती नजर आती है। आपको आप खुद ही यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी मैन होल को लेकर किसी भी तरीके की जो है सचेत नहीं किया गया है, जानकारी नहीं दी जा रही है लोगों को, और बच्चे जो हैं बेफिक्र होकर इस बारिश में आनंद तो उठा रहे हैं लेकिन ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन गजानन बालापुरकर के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज मुंबई। और देखिए, अंधेरी में चमचमाती मेट्रो चलती है, लेकिन मेट्रो के नीचे हालत क्या है ये देखिए। अभी मैं अंधेरी के जो मैजिक ट्रिक मेट्रो स्टेशन हूँ इसके नीचे हूँ और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जल जमा हुआ है, पानी भरा हुआ है। सामने ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जहाँ पे भी आज ट्रैफिक के 3:13 बज गए हैं, भली बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, ज्यादातर 4 से 5 किलोमीटर तक यहाँ पे हमें ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और नीचे इस ब्रिज के नीचे भी आपको यहाँ पे ट्रैफिक में ये गाड़ियाँ जो है पानी से निकलते हुए देखने को मिली होगी। आज जो वीकेंड होते ही आज सुबह से ही मुंबई में धुआंधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, मुंबई के अलग
जो उपनगर है, अंधेरी है, बांद्रा है, कुला है, इसमें इस तरह की मूसलाधार बारिश आज हो रही है, उसकी वजह से जो सखल बाग में इसमें हमें जल जमा हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ घुटना तक मेरे यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। ऐसी कुछ स्थिति अंधेरी के अलग अलग विभागों में आज हमें देखने को मिल रही है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ वर्षा रानी थापे, एबीपी न्यूज मुंबई। देखिए मुंबई में भारी बारिश के चलते लोकल लेट चल रही है, सड़कों पर जाम लगा हुआ है, लोगों को काम पर जाने के लिए ऑटो और बस का सहारा, लेकिन वो भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कांजरमार्ग जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर ऑटो के लिए तो किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा है, ऑटो मिल नहीं रहे हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई में तेज बारिश का असर अब जनजीवन पर देखने मिल रहा है। मैं फिलहाल कांजरमार्ग रेलवे स्टेशन पे हूँ। सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, तो लोग आज पहला दिन है हफ्ते का, तो लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे और अब आकर सड़क पर फंस गए हैं। मैं कांजरमार्ग रेलवे स्टेशन के बाहर के दृश्य आपको दिखाऊंगा। एक लंबी कतार यहां से लेकर आगे रेलवे स्टेशन तक की है, जहां पर लोग ऑटो का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है और साथ ही साथ लोगों को दफ्तर पहुंचने की सुविधा नहीं मिल पा रही क्योंकि ऑटो भी कम संख्या में सड़क पर उतरे। आप लोग कब से खड़े हैं? एक घंटा हो गया अभी। एक घंटा हो गया तो ऑटो नहीं है? ऑटो आ ही नहीं रहे हैं, एक पुलिस वाला भी नहीं है इधर, कोई है ही नहीं, सिक्योरिटी सब लूट रहे हैं। जैसे कि जो ऑटो वाले जो शेयरिंग लेते हैं रेट, वो भी आज रेट बढ़ा दिया, उनका भी रेट बढ़ा हुआ मांग रहे हैं। 60 रुपीस पर सीट, पर सीट मांग रहे हैं। और वैसे कितना मांगते हैं? ऐसे 30 रुपीस। 30 रुपीस हां, ऐसा भी डबल डबल है, वो भी भाव खा रहे हैं उसमें, एक पुलिस वाला नहीं, नो सिक्योरिटी, नो कोई। सही बात है। देखिए ऑटो चालक ऐसे समय में लोगों की मजबूरी का फायदा लेते हैं और यही वजह है कि लोगों को ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। मैडम आप कब से खड़ी हैं? एक घंटे से। ऑटो नहीं मिल रही है? हीरानंदानी नहीं जा रही है, कोई नहीं जा रही। क्या कह रहे हैं? रमाडा जा रहे हैं क्योंकि 50 रुपीज का चार्ज है वहाँ पे। हाँ। और ट्रैफिक कम है और पानी भी कम भरा पड़ा है, तो कोई पास का जो भाड़ा है वो नहीं ले रहे? नहीं। आपको एक घंटे हो गए यहाँ? हाँ। तो देखिए ऐसे समय में जब लोगों को मदद करनी चाहिए इन्होंने, ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उनसे ज्यादा पैसे भी लेते हैं और जहां लोग जाना चाहते हैं वहां जाने से इनकार करते हैं। तो तमाम लोग यहां पर हैं, आप देखिए एक लंबी कतार यहां से आगे की तरफ आपको देखने मिलेगी। अगर आगे की तरफ आप जाएंगे तो यहां से लेकर आगे जो है एक करीब करीब आधा 200-300 मीटर लंबी ये कतार यहां पर है और यहां पर लोग जो है आप लोग कब से खड़े हैं? कितने देर हो गया? ऑटो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या कहते हैं ऑटो वाले, अगर आप बीच में रुकाते हैं तो ज्यादा पैसे ले रहे हैं? ज्यादा ले रहे, या तो एलएनटी जा रहे या तो हॉस्पिटल जा रहे, बट जहाँ जाने वहाँ जा ही नहीं रहे। तो आप लोग क्या करेंगे? आज पहला दिन था हफ्ते का, आप दफ्तर जाने निकले, आप फंस गए आप तो यहाँ पे। घर ही जाएंगे और क्या करेंगे? कैसे जाएंगे घर? ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन चल रही है? हाँ, ट्रेन तो चल रही। आप बताओ आप कब से? हम लोग भी एक घंटा हो गया लाइन में खड़े। आप ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे? हाँ जाएंगे ही जाएंगे। चलिए ये मुंबई का स्पिरिट है। देखिए मुंबई में मुंबई कर जो दफ्तर जाने के लिए अमूमन ऐसी तेज बारिश में भी तत्पर रहता है, तो कई सारी समस्याएं यहां पर हैं। कांजरमार्ग रेलवे स्टेशन के इस बाहर की तस्वीर आपको मैंने दिखाई, लंबी कतार यहां पर इस ऑटो स्टैंड के लिए है, ऑटो चालक यहां से जाने के लिए इनकार कर रहे हैं और जहां लोगों को जाना है वहां जाने से मना कर रहे हैं और जो किराया है वो किराया भी ज़्यादा लोग यहां पर ले रहे हैं। भाई आप किधर जा रहे हो? रुको जरा भाई, किधर जा रहे हो आप? हैं तो भाड़ा क्यों नहीं ले रहे आप लोगों का? ज़्यादा पैसे ले रहे हो? नहीं नहीं, नहीं ले रहा ना। नहीं, तो ये ऑटो चालक यहाँ पर है, कह रहे हैं भाड़ा तो लेंगे। आप कहाँ भाड़ा ले रहे हो? नहीं ले रहे हो? लोग के लोगों का किराया ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? नहीं ले रहे। नहीं ले रहे क्यों? तो देखिए ये पूरी तस्वीर यहाँ मुंबई की है, जोरदार बारिश यहाँ पर हुई है और लोगों की कई सारी समस्याएं हैं। लोग दफ्तर के लिए तो निकले थे लेकिन दफ्तर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जज्बा मुंबई की बात करें तो जज्बा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये सड़क पर आकर जब आदमी फंस जाता है तो कई सारी दिक्कतें होती है और उस दिक्कतों से निकालने के लिए कई सारी मशक्कत भी करनी पड़ती है, जो मशक्कत मुंबई कर अक्सर इस बारिश में करता है। आज का हाल भी यही है, हाल बेहाल है, लेकिन मुंबई वासी इसी अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं और वो अपना हाल खुद ब खुद संभाल भी लेते हैं। कैमरामैन मनोज जसवाल के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज मुंबई। और देखिए बारिश होगी तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो ट्रैफिक का क्या हाल होता है वो भी दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। मुंबई में हो रही बारिश का असर मुंबई की सड़क यातायात पर देखने मिल रहा है। मैं फिलहाल जेवीएलआर पे हूँ और यहाँ हम देख सकते हैं एक ये लेन खोली गई है क्योंकि पीछे की तरफ जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ बहुत ट्रैफिक हो गया है, पीछे की तरफ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, इसीलिए जेवीएलआर की सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा जा सके इसलिए एक लेन बंद करके
ये ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है ताकि आगे की तरफ ट्रैफिक बढ़े और पीछे का जो ट्रैफिक हुआ है वो कम हो सके। अब यहाँ के सड़कों की परिस्थिति आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ हो गए हैं और इन गड्ढों की वजह से ही ट्रैफिक जाम होता है। जब गड्ढे आते हैं तो ट्रैफिक जो गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है, इसीलिए धीरे धीरे लोग पीछे ट्रैफिक की तरफ हो जो है ट्रैफिक जाम वहाँ हो जाता है। अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस यहाँ कार्यरत है, आप देख सकते हैं यहाँ एक कांस्टेबल हैं जो सड़क में रास्ता दिखा रहे हैं, बैरिकेड लगाकर लोगों को यहाँ से जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं। और ये परिस्थिति है क्योंकि पीछे ट्रैफिक हो गया तो ये ट्रैफिक क्लियर करने का एक रास्ता है, एक कोशिश है ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर। और पूरे आगे पूरे सड़क में इसी तरह मुंबई पुलिस कार्यरत है। और इस परिसर में अगर हम देखें तो इस परिसर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो रही है इन गड्ढे की वजह से, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ इस सड़क पर हो चुके हैं और इसी वजह से मुंबई वासियों को कई सारी दिक्कतों का, जो घर से बाहर निकले दफ्तर जाने के लिए अपनी गाड़ियों में, उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनोज जसवाल के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज़ मुंबई।